अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक नंबर 7 की रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम लोग टॉपिक नंबर 8 की रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर आप लोग ओपन करें 51। ठीक है, पेज नंबर 51 ओपन करें और यहाँ पर टॉपिक है हीट। हीट कहते हैं हरारत को। ठीक है, हरारत क्या होती है? जिससे हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, मतलब जब आग जल रही होती है तो आग से हमें एक तो रोशनी मिलती है, दूसरा हमें उससे हरारत मिलती है। और हरारत किस सूरत में मिलती है? हरारत से हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, हीट मेक्स अस वार्म। हीट मेक्स अस वार्म, जो हरारत होती है वो हमें गर्म रखती है। ठीक है, गर्मी महसूस होती है हरारत की मदद से हमें। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ हीट, हरारत क्या है। फायर गिव्स अस हीट, जो आग होती है वो हमें हीट देती है। इट आल्सो गिव्स अस लाइट, और ये हमें रोशनी भी देती है। मतलब जब आग जलाई जाती है तो आग की मदद से हमें रोशनी भी मिलती है और रोशनी के साथ साथ हमें हरारत भी मिलती है। इफ़ We stand close to a fire, अगर हम आग के पास खड़े हों, we can feel its heat, तो हम उसकी हीट को महसूस करते हैं on our face, अपने मुंह पर and hands और हाथों पर। ठीक है, heat makes us feel warm, जो हीट होती है वो हमें गर्मी महसूस करवाती है। ऐसी है ना, जब आग जल रही होती है, ठीक है, और हम आग के बिल्कुल पास जाके खड़े होते हैं तो हमें जो है वो एक तो रोशनी मिलती है, दूसरा हमें उससे हीट मिलती है। और हीट से हमें हीट कैसे हमें महसूस होता है कि हीट मिल रही है? हमारे फेस पर और हमारे हाथों पर हीट महसूस होती है। ऐसी है ना, और सर्दियों में जो है वो हम लोग हीट को किस लिए यूज़ करते हैं? हम लोग खुद को गर्म रखने के लिए यूज़ करते हैं। सर्दी में जब काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है तो हम लोग आग को जो है वो आग के पास बैठ जाते हैं ताकि हमें जो है वो गर्म सर्दी महसूस ना हो। ठीक है, हीट कम्स फ्रॉम द सन, जो हीट होती है वो कहाँ से आती है? सूरज से आती है। एंड फ्रॉम बर्निंग वुड, ठीक है, और जलती हुई लकड़ी से, पेपर जो कागज़ होते हैं उनसे, एंड अदर फ्यूल्स, और दूसरे जो ईंधन होते हैं सच एज़ ऑयल एंड गैस, जैसा कि ऑयल और गैस से भी हमें मिलती है। ठीक है, ये देखेंगे, ये एक चिराग है, इसमें जो है वो ऑयल डाला जाता है और फिर ऑयल की मदद से जो है ये जलता है और जल के हमें रोशनी भी देता है और हरारत भी। और ये एक चूल्हा है जिस पे हम लोग खाना बनाते हैं, और ठीक है, खाना बनाते हैं हम लोग तो हमें जो है वो ये हरारत भी देता है। ठीक है, और रोशनी भी इससे हमें मिलती है। ठीक है, हीट इज़ वेरी यूज़फुल, हरारत बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इट कीप्स आवर बॉडीज़ वार्म, ये हमारे जिस्म को बहुत गर्म रखती है। वी यूज़ इट टू कुक फूड, हम इसको खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड टू आयरन क्लॉथ, और अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इट कैन आल्सो मेक थिंग्स मूव, और ये चीज़ों को हरकत देने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अ स्टीम इंजन मूव्स ड्यू टू हीट, एक स्टीम इंजन जो होता है भाप से चलने वाला जो इंजन होता है वो जो है वो हीट की वजह से ही चलता है। ठीक है, एनी थिंग विच कैन डू वर्क हैज़ एनर्जी, ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि कोई भी काम करती है वो एनर्जी की मदद से करती है। हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, हीट जो है वो एक एनर्जी की एक काइंड है। द हीट एनर्जी विच कीप्स आवर बॉडीज़ वार्म कम्स फ्रॉम फूड, ठीक है, द हीट एनर्जी, ठीक है, जो हीट एनर्जी होती है जो कि हमारे जिस्म को गर्म रखती है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें फूड से मिलती है, जो खुराक हम खाते हैं। ठीक है, खुराक में जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, मिल्क पीते हैं, ठीक है, जूसेस, फ्रूट्स, ठीक है, तो उनसे हमें जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, फूड की मदद से मिलती है। आवर बॉडी यूजेज अप द फूड वी हैव ईटन टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, हम लोग जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जो है वो फूड को यूज़ करते हैं। हीट एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वी कैन डैट मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा हरकत करते हैं। मॉलिक्यूल्स मूव बिकॉज दे हैव एनर्जी, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं किस लिए? क्योंकि वो एनर्जी रखते हैं। व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ समथिंग मूव फास्टर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेज़ी के साथ जो है वो हरकत करते हैं। दे मेक्स दैट थिंग्स हॉट, तो वो उस चीज़ को गर्म कर देते हैं। जब मॉलिक्यूल्स काफ़ी तेज़ी के साथ हरकत करते हैं तो वो उस चीज़ को गर्म कर देते हैं। वी कैन फील द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एज हीट, और हम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को किस सूरत में महसूस करते हैं? हीट की सूरत में महसूस करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, यहाँ पर देखें, हॉट मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर दैन कोल्ड मॉलिक्यूल्स, गर्म मॉलिक्यूल्स जो हैं वो
ठंडे मॉलिक्यूल्स की नस्बत तेज़ी से हरकत करते हैं। फिल वन बाउल विद कोल्ड वाटर, ठीक है, एक बॉल लेना है, उसको आपने ठंडे पानी के साथ जो है वो भर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिल अनदर बॉल विद द हॉट वाटर, और दूसरे बॉल में आपने गर्म पानी ले लेना है। एक बॉल में आपने ठंडा पानी ले लेना है और एक बॉल में आपने गर्म पानी ले लेना है, ठीक है। उसके बाद पुट बोथ बॉल्स ऑन अ टेबल, और आपने फिर दोनों बॉल्स को टेबल पे रख देना है। यूज़ अ ड्रॉपर टू पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन ईच बॉल, ठीक है। आपने फिर एक ड्रॉपर लेना है, ठीक है, और उसकी मदद से आपने जो है वो दोनों बॉल्स में कुछ चंद कतरे जो हैं वो रेड इंक के डालने हैं, ठीक है। डू नॉट शेक द टेबल और द वाटर, ना तो आपने पानी को हरकत देनी और ना ही आपने टेबल को हिलाना है। What do you see? तो आपने क्या देखा, ठीक है, उन्होंने पूछा है कि फिर आपने जो है वो इसमें क्या देखा। तो हमने जो है वो दोनों बॉल्स में ये देखा कि ठंडे पानी में जो हमने इंक डाली थी वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में जो है वो हल हो रही है, लेकिन जो गर्म पानी में हमने इंक डाली थी वो फ़ौरन से, मतलब तेज़ी के साथ जो है वो पानी में हल हो गई है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर देन कोल्ड मॉलिक्यूल्स, हॉट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तेज़ी के साथ हरकत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हीट एंड चेंज, ठीक है, हीट और उसमें तब्दीली। हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, हीट जो होती है वो चीज़ों की स्टेट को, हालतों को बदल देती है। व्हेन वी हीट आइस क्यूब्स इन अ पैन, जब हम आइस क्यूब्स को एक पैन में रख के उनको गर्म करते हैं या उनको हीट देते हैं, दे चेंज इनटू वाटर, तो वो पानी में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, आइस क्यूब्स लें, उनको एक पैन में रखें और उनको थोड़ी सी हीट दें तो वो क्या होंगे, वो पानी में तब्दील हो जाएंगे। When the water begins to boil, अब जब उसी पानी को हम boil करेंगे तो it turns into steam, तो वो क्या हो जाएंगे, वो भाप में तब्दील हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, जब वो पानी हम boil करते हैं तो वो उबलना शुरू हो जाता है और वो steam में तब्दील हो जाता है, ठीक है। Things become hot when they are heated, चीज़ें जो हैं वो उस वक्त गर्म होती हैं जब हम उनको हीट कर रहे होते हैं, हीट दे रहे होते हैं। द हीट ऑफ द एटमोसफेयर चेंज डे टाइम एंड नाइट टाइम, ठीक है, एटमोसफेयर में जो हीट है वो दिन के वक्त भी होती रहती है और रात के वक्त भी होती रहती है, ठीक है, रात के वक्त भी, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, रात के वक्त भी टेम्परेचर में होती रहती है और दिन के वक्त भी होती रहती है, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट ही है, आप लोग इसको करके देख सकते हैं। आपने एक बॉल लेना है, उसमें आपने आइस क्यूब्स डालने हैं और उसको आप जो है वो थोड़ी देर के लिए बेशक बाहर सूरज की रोशनी में रख दें, सूरज से उसको हीट मिलेगी तो वो पिघल जाएगी, ठीक है, बर्फ़ पिघल जाएगी और फिर वो पानी बन जाएगी। फिर आप उसी पानी को उठा के, ठीक है, उसको बॉयल करें तो वो बॉयल पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाएगा और फिर वो स्टीम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हीट जो है वो चीज़ों की हालतों को तब्दील करती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखें, वाई डज आइस मेल्ट, बर्फ किस वजह से पिघल गई। व्हेन आइस इज हीटेड, जब आइस को जो है वो गर्म किया गया, द हीट मेक्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस मूव फास्टर, तो मॉलिक्यूल्स ने क्या, तेज़ी के साथ हरकत करना शुरू कर दी। एज द मॉलिक्यूल्स मूव दे बम्प इनटू ईच अदर एंड बिगिन टू अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, वो टूट गए और एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गए। विद मोर हीट, जब उनको बहुत ज़्यादा हीट मिली, दे मूव फास्टर एंड मूव फर्दर अपार्ट अनटिल द सॉलिड आइस बिकम्स वाटर, और जब उनको बहुत ज़्यादा हीट मिली तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तेज़ी के साथ हरकत करना शुरू कर दी और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर होते गए और एक दूसरे से अलग हो गया सॉलिड, ठीक है, सॉलिड अलग हो गए और फिर वो पानी बन गया, ठीक है। इन द सेम वे, इसी तरह लिक्विड वाटर बिकम्स स्टीम, इसी तरह लिक्विड वाटर जो है वो भी स्टीम में तब्दील हो जाता है। इफ़ द मॉलिक्यूल्स आर कोल्ड, अगर मॉलिक्यूल्स ठंडे होते हैं, दे स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर टू ईच अदर, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है, और वो, ठीक है, क्लोज हो जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं और फिर बर्फ़ बन जाती है। When molecules of steam are cooled down, जब molecules को जो है वो ठंडा किया जाता है, they turns into tiny drops of water, तो वो पानी के छोटे छोटे drops बन जाते हैं। When water is cooled further, और पानी को जब मज़ीद ठंडा किया जाता है, its molecules slow down and move closer to each other, ठीक है, वो और ज़्यादा slow हो जाते हैं और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। The water freezes into ice, और पानी जो है वो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। बर्फ़ बनने का तरीका बताया है यहाँ पे एक थर्मोमीटर है, ठीक है, ये उसका बल्ब है, ये मरकरी है, ठीक है, ये थर्मामीटर जिसकी मदद से हम टेम्परेचर भी चेक करते हैं। टू फाइंड आउट हाउ हॉट समथिंग इज़, वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ थर्मोमीटर।
ये देखने के लिए कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, हम लोग एक आला इस्तेमाल करते हैं जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर इज़ अ क्लोज्ड ग्लास ट्यूब, ये एक ग्लास ट्यूब होती है, शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है। एट वन एंड इट हैज़ अ बल्ब फिल्ड विद अ लिक्विड कॉल्ड मर्करी, ठीक है, इसके एंड पे एक बल्ब लगा होता है जो कि मर्करी से भरा होता है, ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना थर्मामीटर की शेप, ठीक है। उसके बाद है देर इज़ अ स्केल ऑफ नंबर मार्क्ड ऑन द ट्यूब, ठीक है, यहाँ पे स्केल होता है जहाँ पे नंबर जो है वो मार्क किए जाते हैं। इफ़ वी डिप द बल्ब इनटू समथिंग वार्म, अगर हम इस बल्ब को किसी भी गर्म चीज़ के अंदर डाल दें, ठीक है, द लिक्विड इनसाइड राइजेज अप द ट्यूब, तो लिक्विड जो होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा। वी कैन यूज़ द स्केल टू रीड द लेवल ऑफ द लिक्विड, तो हम लोग स्केल को जो है वो लेवल पढ़ने के लिए, ठीक है, लेवल को हम लोग पढ़ लेंगे कि कितना लेवल है उसका। उसके बाद द लेवल ऑफ़ द लिक्विड शोज़ हाउ हॉट समथिंग इज़, ये जो लेवल है लिक्विड का ये जितना ज़्यादा ऊपर को हम उठेगा, ठीक है, लिक्विड, और ये इस लेवल की मदद से हम लोग पढ़ लेंगे जहाँ पे जाके वो रुक जाएगा। अ डॉक्टर यूजेज अ थर्मोमीटर मर, ठीक है, मेयर हाउ हॉट आवर बॉडी इज़ व्हेन वी आर सिक, ठीक है, डॉक्टर जो है वो थर्मोमीटर को उसको यूज़ करते हैं जब उन्होंने ये पता लगाना हो कि हमारी जिस्म का टेम्परेचर जो है वो कितना है, ठीक है, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं ना हमारे जिस्म का टेम्परेचर मालूम करने के लिए। जी, तो हम लोगों ने टॉपिक नंबर 8 की रीडिंग कर ली है, अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें एक्टिविटी है, एक्टिविटी में सबसे पहले जो है वो हम लोग आंसर क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे, ठीक है, आंसर क्वेश्चन हैं, इनको आपने साथ साथ अपनी नोट्स कॉपीज पर लिखना है। फर्स्ट पे है वेयर डज़ हीट कम फ्रॉम, ठीक है, हीट कहाँ से आती है, हीट कम्स फ्रॉम सन, ठीक है, सूरज से, बर्निंग थिंग्स चीज़ों के जलने से, एंड फ्यूल और फ्यूल से, ठीक है। उसके बाद है हाउ इज़ हीट यूज़फुल, हरारत किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इट कीप्स आवर बॉडीज़ वार्म, ये हमारे जिस्म को गर्म रखती है, ठीक है, इट कीप्स आवर बॉडीज़ वार्म, टू कुक फूड खुराक बनाने के लिए, एंड टू आयरन क्लॉथ, ठीक है, और कपड़े इस्त्री करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डज़ द हीट एनर्जी इन आवर बॉडीज़ कम फ्रॉम, हमारे जिस्म में जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से आती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था द हीट एनर्जी इन आवर बॉडीज़ कम फ्रॉम फूड, फूड मतलब खुराक, ठीक है, जो भी खुराक हम लोग खाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट मेक्स अ थिंग हॉट, ठीक है, मतलब चीज़ को, मतलब कैसे चीज़ जो है वो गर्म होती है, थिंग्स बिकम हॉट व्हेन दे आर हीटेड, ठीक है, चीज़ें उस वक्त गर्म होती है जब उनको गर्म किया जा रहा होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज़ आइस मेल्ट, बर्फ़ कैसे पिघली थी ऑन हीटिंग, ठीक है, द आइस मेल्ट, गर्म किए जाने पर बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है, ठीक है जी। ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आपने नोट्स कॉपी पे लिखना है और याद करना है। नेक्स्ट है लेबल द ड्राइंग ऑफ अ थर्मोमीटर, ये एक थर्मोमीटर है, इसको आपने लेबल करना है, ये आपने पेज नंबर जो है वो 54 से देख के जो है थर्मोमीटर को यहाँ पे लेबल करना है, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट है चूज़ द बेस्ट आंसर, ठीक है, जो सही जवाब है उसको हमने चूज़ करना है। फायर गिव्स अस, फायर जो है वो हमें क्या देती है, हीट ओनली, लाइट ओनली, या हीट एंड लाइट, जी फायर हमें हीट एंड लाइट, हरारत और रोशनी दोनों देती है, इसलिए हम इस पर टिक लगाएंगे। सेकेंड पे है एनी थिंग विच कैन डू वर्क हैज़, ठीक है, कोई भी जो चीज़ है जिसकी मदद से हम काम करते हैं वो एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल, जी एनर्जी होती है, तो एनर्जी पे टिक लगाएंगे। कोल्ड वाटर हैज़ डैश हीट देन बॉइलिंग वाटर, कोल्ड वाटर में जो है वो हीट लेस होती है या मोर, जी लेस होती है, बहुत कम होती है। व्हेन वी हीट आइस क्यूब्स, जब हम आइस क्यूब्स को हीट देते हैं दे बिकम, तो वो क्या बन जाते हैं, वाटर या वाटर वाइपर, वाटर, ठीक है, वाटर पे टिक करेंगे। अ थर्मोमीटर इज़ फील्ड विद, थर्मोमीटर किस चीज़ से भरा होता है, मरकरी से या ऑक्सीजन से, जी मरकरी से, तो मरकरी पे हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अमेजिंग फैक्टर है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फारेनहाइट है, ये भी आपने याद करना है जी। हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली, आपने इसकी एक्सरसाइज अच्छे से याद करनी है और आंसर क्वेश्चंस अपनी नोट्स कॉपीज़ पे लिखने हैं और रीडिंग भी आप लोगों ने अच्छे से करनी है। अल्लाह हाफिज़।